क्लास के छात्र को अधूरा काम करना इतना महंगा पड़ गया कि उसको अध्यापक की बेरहमी का शिकार होना पड़ा, जिसके चलते उसके कान का पर्दा फट गया। मामला कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत असई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। इस विद्यालय की 9वीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र शाहरुख पुत्र रफीक खान जब कक्षा में पहुंचा तो उसको दिया गया होमवर्क अधूरा पाया गया, जिसके चलते अध्यापक सत्यपाल मीणा ने उसकी बेरहमी से पिटाई लगा दी। मीणा द्वारा लगाई गई पिटाई के थप्पड़ उसके कान पर पड़े, जिस कारण उसके कान का पर्दा फट गया। छात्र के परिजन मुफीद ने बताया कि बच्चे ने जब इस घटना के बारे में परिजनों को अवगत कराया तो उसके कान में दर्द था। अध्यापक से इस बारे में बात की गई तो वह परिजनों से बदतमीजी से पेश आया। बच्चे के कान की जांच अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार से करवाई तो उनके कान का पर्दा फटा गया। मुफीद ने बताया कि घटना 15 नवंबर की 16 नवंबर को कठुमर थाने में FIR दर्ज भी कराई गई है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र देकर इस घटना से अवगत कराया गया, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपका नाम क्या है? रफीक खान। जैसे कान में लगी है, वह क्या लगता है तुम्हारा? बेटा। कौन सी क्लास पढ़ता है? 9वीं में। लड़के का नाम क्या है? शाहरुख। कब की घटना है? शनिवार 12/2022। किसने थप्पड़ मारा था? सतपाल ममेड़ा। किसके लिए मारा? काम अधूरा। कान में क्या हुआ? दो खाया जब गोली दवाई। मेडिकल जांच करवाई? करवाई। कब? 14 तारीख को। FIR करवा दी? करवा दी। कब करवाई थी? 16 तारीख को।